हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे रागा का फुल मॉक टेस्ट। पूरे 30 क्वेश्चंस होंगे और एग्जाम में टारगेट होगा हमारा 30 मार्क्स लाने का, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के साथ। और इस वाले मॉक टेस्ट में टारगेट अपना यही रखना 20 प्लस किसी भी हाल में इसको सही करने का है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल मॉडरेट टू टफ वाले हैं। ईजी क्वेश्चन एक या दो देखने के लिए मिल सकते हैं आपको, बट हमने लेवल थोड़ा सा हाई रखा है, तो देख के डरना नहीं है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर किसी की बेसिक खराब है, बेसिक से अगर आप पढ़ना चाहते हो, रगा के लिए हो या फिर इंग्लिश के लिए हो, अभी ऑफर चल रहा है ये बैच। ये 600 इसकी प्राइस है, बट आपको मिल जाएगी ये प्राइस 153 रुपीज के अंदर, ठीक है। तो 513 रुपये में ये बैच मिल जाती है, वैसे इसकी प्राइस 616 रुपये थी, ठीक है। तो ऑफर में इस बैच को आप ज्वाइन करते हो तो आपको इसके अंदर मिल जाएगा कंप्लीट रगा की क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेज, साथ में रागा के लिए चैप्टर वाइज होता है ना, रीजनिंग की चैप्टर वाइज पीडीएफ जो अलग से हमारी पेड वाली आती है वो अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, इस बैच में मिल जाएगा। मैथ की चैप्टर वाइज जो पीडीएफ प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी, जीके की पीडीएफ मिल जाती है, करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाती है, एंड इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ, ठीक है। बहुत जल्दी इसके अंदर धमाका लाएंगे इंग्लिश के लिए, पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन ला रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगी वो कैब की पीडीएफ, ठीक है, जहां से आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। साथ में आपको इसके अंदर वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट मिल जाती है, और आपको इस बैच से पढ़ना है तो आपको एपिसोड स्टडी आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपको ऐप यूज करने नहीं आता है तो कुछ भी डाउट है ऐप से रिलेटेड तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787। एक बार पढ़ो, आपको बहुत मजा आएगा। एग्जाम देखो, कम टाइम के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है ना, तो हमारी स्पेस वॉरियर बैच आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब मैंने हिंट दे दिया, बाकी एग्जाम के बाद जो बच्चा ज्वाइन करेगा खुद समझ में आ जाएगा। चलो, दिल्ली का सुल्तान जो है ना, जिसकी घोड़े से गिरने के कारण चोट लग गई थी और चोट लग के मृत्यु हो गई, मतलब घोड़े से गिर के मर गया, वो कौन था? वह सुल्तान का क्या नाम था? वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। इसको गुलाम वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। और चौगान, जो कि आज के टाइम पे पोलो के नाम से जाना जाता है, ये खेल रहा था, घोड़ा से गिरा, चोट वोट लगा, मर गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जो है ना द डार्क रूम नाम का पुस्तक लिखा था? एक बुक है, इसके अंदर तो कोई समझने वाली चीज नहीं है, बुक का नाम है द डार्क रूम, लिखा है आर के नारायण के द्वारा, ऑप्शन बी के अंदर आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। आगे चलते हैं, याद रखना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, चीनी के अंदर क्या मिलता है बोलोगे? सर एक चीज हम जानते हैं, गन्ने जब हम पीते ना, गन्ना का जूस, तो बोलते हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिस चीनी के अंदर भी वही मिलता है भाई, वही से तो बनता है ये भी, तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है इसके अंदर, याद रहेगा ना। चलो आगे मैं बोलूं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम क्या है? 61.80% लगभग, यही ना, ठीक है। तो सबसे कम कहाँ की है? बिहार की है। सबसे ज्यादा कहाँ की है? केरला की। और केरला इतना शिक्षित हो गया है कि वो भारत से अलग होने का प्लान कर रहा है। आपने भी लेटेस्ट न्यूज अगर करंट में सुना होगा तो समझ में आया होगा ये बात जो मैं बोल रहा हूँ। तो इतना भी शिक्षित ना हो जाओ ना कि देश से गद्दारी कर, ठीक है। खैर, ये इंडिया है। आगे चलते हैं, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय एक टीम के कितने खिलाड़ी जो होते हैं ना कोर्ट पर होते हैं। अब ये सीधे सीधे पूछ लेते हैं ना, बास्केटबॉल में टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया कि एक टीम में कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं, तो वो पूरे 5 खिलाड़ी होते हैं एक टीम के अंदर जो खेल रहे होते हैं, ठीक है, कोर्ट पे, याद रहेगा। अब कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51, ठीक है, आर्टिकल जो है 36 से लेके 51 किस चीज से रिलेटेड है? अच्छा, पिछली बैच के लिए जो मैंने क्या कहते हैं उसको, जीके की एक सीरीज चलाई थी, उसके अंदर मैंने पूरे आर्टिकल्स को जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है पढ़ाए थे, ठीक है। अगर आपने वो चीजें देखी होंगी तो ठीक है, नहीं देखी तो हर 6 महीने पे एग्जाम हो रही है तो सेम चीज को पढ़ाए, इससे अच्छा वो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाके आप उसको पढ़ो, जीके कभी बदलेगा नहीं, जो स्टैटिक है, ठीक है। और मैथ के कॉन्सेप्ट, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट बदलते नहीं है, करंट अफेयर बदलता है। तो ये जो है ना पार्ट 4 के अंदर मैंने पढ़ाया था ना, पार्ट 4 के अंदर 36 से लेके 51 तक क्या मिलता है? डीपीएसपी, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है आपको। आगे चलो, कह रहे बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद में या फिर संसद से अनुपस्थित रहने पर कोई भी संसद सदस्य आयोग घोषित कर दिया जाएगा, मतलब कोई भी जो है ना पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो कितने दिन तक जो है ना बिना परमिशन लिए गायब रहे, रहा ही नहीं, तो कब तक चलेगा ऐसे, उसको कब तक अयोग्य बता दिया जाएगा, डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, जा तू घर रहना आराम से, ठीक है। तो लगातार वो 60 डेज, ठीक है, अगर 60 डेज तक वो नहीं आ रहा है
बिना परमिशन के, तो कहा जाएगा दामुन्ना तो घरे रहना, ठीक है। फिर ये जम्मू कश्मीर के जो ना उपराज्यपाल अभी करंट में कौन है, ठीक है, उपराज्यपाल, ध्यान से सुनना मैंने क्या पूछा, उपराज्यपाल, ठीक है। तो चलो बताओ इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएंगे मनोज सिन्हा। फिर है नौरोज भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, एक फेस्टिवल होता है नौरोज, ठीक है। अब बताओ ये किस रिलीजन से रिलेटेड है, बौद्ध या फिर बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी। तो नौरोज जो है ना पारसी रिलीजन से रिलेटेड है, तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। फिर ये बताओ अष्टक का नियम किसने दिया था, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अष्टक का नियम बताया था, ये चीज बताओ। तो आप में से अगर किसी को पता है तो अच्छी चीज है, कहोगे सर हम तो साइंस से थे नहीं, केमिस्ट्री हमने पढ़ा नहीं, वरना 9th 10th में केमिस्ट्री पढ़े हो ना, वहीं पे पढ़ना था। न्यूलैंड का नाम सुने हो, उन्हीं ने दिया था। आगे चलो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोले और एक अन्य अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, ठीक है, टोटल जो सरफेस एरिया है वो बराबर है, तो इनके आयतन का रेशियो क्या हो जाएगा। आराम से वीडियो को रोक के समझो यहाँ पे, तो ध्यान से देखोगे ना तो क्वेश्चन को देखना क्या कह रही है। मान लेते हैं ना कि देखो एक गोला है, स्पेयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r2। ये स्पेयर है इसलिए कैपिटल आ रखते हैं, और ये किसके बराबर है, जो हेमिस्फीयर है ना उसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई r2। ओके ठीक है, ये पाई पाई कट जाएगा कोई शक नहीं। तो r2 कैपिटल r2 बाई स्मॉल r2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। तो अब रेशियो क्या हो जाएगा इनका भाई, r/r इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर इधर था तो रूट इस साइड जाएगा, तो मतलब √3, और ये 4 को √4 को बाहर निकालोगे दैट विल बी 2। मतलब इनका रेडियस मिल गया, गोले का या फिर स्पेयर का रेडियस √3 और हेमिस्फीयर का रेडियस 2 है। ओके अच्छा एक चीज आपको इसके अंदर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसे है तो इस चीज के लिए टेंशन मत लो। हो सकता है इसमें साइज नहीं कहा गया ना कि गोला बड़ा है अर्ध गोला छोटा है, ऐसा तो नहीं कहा गया, तो इसलिए इस वैल्यू को लेके टेंशन मत लो, जो वैल्यू आ रहा है उसको लेके सॉल्व करो, ठीक है ना। अब कह रहे हैं इनका आयतन बताओ, तो इनका आयतन क्या होगा, बड़े या फिर क्या कहते हैं, बड़ा छोटा तो है नहीं यहाँ पे, गोला दैट इज स्फीयर, इसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2 हो जाएगा आपका 4/3 πr³, और इसका हो जाएगा क्या कहते हैं इसको, स्फीयर नहीं हेमी स्फीयर अर्ध गोला 2/3 π, और यहाँ पे स्मॉल r कर देंगे क्यू। ओके अब देखो पाई पाई कट जाएगा, 3/3 कट जाएगा, इसका मतलब मिल गया मेरे को 4/2, चलो ना यहाँ से 2 दूनी 4 भी काट दो, इसको क्यों छोड़ना है, तो मेरे को मिल जाएगा 2r³/r³। अब मेरे को बड़े वाले r की वैल्यू √3 है, छोटे वाले r की वैल्यू 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 2 × √3³ कर दो, एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2³ कर दो, बस सिंपल से यहाँ से देख लो, तो 2 × क्या मिल गया मेरे जाएगा यहाँ पे 3 × 2 = 6, ठीक है, या फिर यू कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 3√3 कर दो, और यहाँ पे 2 × 2 = 4 × 2 = 8 कर दो, ये 2 से 4 बार में कट जाएगा, इसका मतलब रुको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको जगह ज्यादा बनाता हूँ ऐसे, तो मेरे को मिल जाएगा 3√3 ratio 4, ठीक है। और यहाँ पे 23 नहीं है, यहाँ पे 2 का पावर, यहाँ पे मैंने लिखा था 2 का पावर 3 क्यूब किया था मैं, ओके। तो ये जो सीन था वो कहाँ पे आ रहा है, √3√3 ratio 4 ऑप्शन नंबर सी के अंदर। अब ये उसी को समझ में आएगा जिसको मेंसुरेशन, जिसने मेंसुरेशन पढ़ा होगा प्रॉपर फार्मूला के साथ पढ़ा होगा। यहाँ पे 2 फार्मूला यूज किया, पहला टोटल सरफेस एरिया, ओके, सेकेंड वॉल्यूम का, ये दोनों फार्मूला, 4 फार्मूला हो गया ना, तो स्पेयर के 2 फार्मूले, हेमिस्फीयर के 2 फार्मूले, अगर आपको नहीं पता है ये सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। आगे देखो अब एक सवाल है ना कि अरविंद के पास 650 kg गेहूं है, जिसका एक हिस्सा वह 9% लाभ पर बेचता है और शेष जो है ना 19% के लाभ पर बेचता है, ताकि उसे कुल मिलाकर 50% का प्रॉफिट हो। अरविंद द्वारा 9% पर बेचे गए गेहूं की मात्रा बताओ। अब ऐसे सवाल के लिए अगर हम प्रॉफिट लॉस का क्या कहते हैं वो रूल लगा देंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा ही नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है कि मेरे को देखो पहले वाले को 9% पे बेचा गया है, दूसरे वाले को 19% के, दोनों की वैल्यू को मैं अगर मिला दूँ तो मेरे को ओवरऑल फायदा कितना हो रहा है, 15%। तो मैं यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन का लगा लूंगा, क्रॉस माइनस करा लूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा 19 - 15%, और मेरे को रेशियो ये मिल जाएगा 15 - 9%, तो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4:1।
छः, मतलब मेरे को मिला दोनों के प्रॉफिट में 2:3 का। अब पूछा कि इसका है 9% का ना, तो 9% इधर है पहला वाला, तो दो, तो यहाँ पे टोटल 650 में 9 का कैसे निकालोगे, 2/5 निकाल लो, 120, तो मतलब 260 हो गया, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। सिंपल, यहाँ पे हमने मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया, आराम से हमारा आंसर आया। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज करोगे, लगाओगे आराम से बैठ के कि पहले को 9 हिस्सा, तो मतलब क्या हो गया 600, आप ना अगर नहीं लगाते तो ऐसे ही यूज करते कि मान लो एक बार एक्स के जी बेचा, दूसरे बार 650 माइनस एक्स के जी बेचा, करते करते दिन पार हो जाएगा, चार सवाल छूट जाएंगे ये रूल लगाने पे, ठीक है? तो थोड़ा सा आराम से बनाएंगे समझ के क्या पूछा जा रहा है। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा पूरे रागा के सेक्शन का। 180 मीटर एक लंबी ट्रेन, पान जो है ना ट्रेन है, 500 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 40 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की स्पीड बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में। भाई पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लो, वैल्यू मेरे को मीटर और सेकंड में दे रखा है, बाद में हम इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे किलोमीटर पर घंटे में निकालने के लिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। हमारा भाई डिस्टेंस कितना है, 500, हमारा स्पीड पता नहीं है, रहने दो एस उसको, टाइम हमारा 40 सेकेंड है, कटेगा यहाँ से। हाँ तो स्पीड बराबर मेरे को मिल गया 50/4, इट विल बी 25/2। बोलोगे सर 12.5% तो ऑप्शन में है नहीं, तो भाई ये तो मीटर पर सेकंड में है ना, आपसे पूछा गया किलोमीटर पर आर के अंदर, तो इसको हम क्या करेंगे 25/2 18/5 से कर लेंगे गुना, ठीक है? कोई दिक्कत कहोगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो अभी असली है। क्या दिक्कत है, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हमने ये सुरंग की वैल्यू बोले के सॉल्व कर रहे हैं, ट्रेन की लंबाई कहाँ गई, ये देखो हमने यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू गलत ले रखी है ना, हमने 180 मीटर ट्रेन की वैल्यू को ध्यान ही नहीं दिया, हम लोग बस डिस्टेंस 500 सुरंग की वैल्यू को लेके जा रहे हैं, ऐसे तो हमारा आंसर ही नहीं आएगा। अब हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, देखो क्या हो जाता है, कोई भी ट्रेन किसी चीज को पार कर रही है, मानो लंबी सी चीज को, तो डिस्टेंस हो जाता है ट्रेन की लंबाई प्लस ट्यूनल की लंबाई, सुरंग की लंबाई, या फिर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 180 + 500 इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू 40 सेकेंड, ठीक है? ये कितना हो जाएगा 680/40 कह सकते हो, तो यहाँ से कटेगा क्या, ठीक है स्पीड हमारा हो गया 17 मीटर पर सेकेंड, तो लेकिन हम इसको क्या करेंगे किलोमीटर पर आर में बदलने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो 17 × 18 कितना हो जाएगा, बोलोगे सर हमको तो पता ही नहीं है। अच्छा मैं एक चीज़ पूछूँ आपसे, आप बताना, देखो 17 × 18 करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ध्यान से सुनना, लेकिन 17 × 17 करेंगे तो डेट इज 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। अब हमसे 17 से 1 ज्यादा पूछा है ना, तो 17 एक बार जोड़ दो, 306 मिलता है, कितना मजा आया कि नहीं मजा आया। अब बैठ के हम 17 × 18 करेंगे तो टाइम जाएगा, 17 का स्क्वायर जिसको याद होगा, तो अगर मेरे को 17 × 19 कहता है ना, तो 17 × 17 करो, 289, 289, अब 17 2 बार जोड़ दो क्योंकि 17 से 2 ज्यादा है, तो 34 जोड़ दो उसके अंदर, ऐसे कर लेते आपका आंसर अच्छा से आ जाता, ठीक है ना? इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हमको 18/5 से करना है ना कि 18/2 से, ठीक है? चलो 18/2 से करेंगे तो फिर तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा, तो 61.2 हो जाएगा। 61.2 क्या है, किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन कहाँ पे बी में। अभी जो मैंने कैलकुलेशन आपको बोला उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टाइम बचाता है, ठीक है? मैंने जैसे देखो आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ, अगर मैं कहूँ ना आपसे, चलो छोटा सा सिंपल सा मैं बोलता हूँ, 12 × 15। अब बोलोगे सर 12 × 15 इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मुझे पता नहीं है, ठीक है? तो 12 × अगर मैं बोलूँ ना 12 करोगे तो क्या मिलेगा, 144। अब 12 से 15 ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 12 को 3 बार जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 36, तो ये हमारा कितना आ गया, 180। अब आप 12 × 15 करके देखो 180 आंसर आएगा, है ना मज़ेदार चीज़? बोलोगे हाँ। अब ये चीज़ कब मज़ा आएगा, अगर 21 × आपसे 24 दे दे तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मेरे को 24 21 करने में, खैर ये तो आसान है, अगर मैं इसको 22 × 24 दे दूँ तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट बन जाए, या फिर मैं आपको यहीं पे 23 × 24 दे दूँ तो भी डिफिकल्ट बन जाए। खैर मैं यहाँ पे 21 × 24 कह रहा था, तो आपको 21 का स्क्वायर करते, और यहाँ पे 21 से 3 ज़्यादा है 24, तो 21 को 3 बार क्या करोगे, गुणा कर दोगे, इतना जोड़ दोगे, 504 आपका आंसर आ जाए, ठीक है? तो ये सब लॉजिक थोड़ा सा समझना, मैं इस सब चीज़ों को बीच में क्यों समझाता हूँ, क्योंकि बहुत काम आएगा। वहीं पे मैं अगर बोलूँ कि 23 × 24 करोगे तो कितना आएगा, दिमाग लगाओ, साथ साथ में मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, तो कहोगे सर हमको पता ही नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ कि 23 का स्क्वायर कितना होता है इसका, 23 × 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है,
हो गए 529, और 23 से एक ज्यादा है ना, तो एक बार 23 जोड़ दो। ठीक है, आप एक बार 23 जोड़ दोगे, जो वैल्यू आएगा यहाँ पे 52, 552 आपका। देख लो 23 × 24 करके, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो, कॉपी पे इस्तेमाल कर लो, 552 नहीं आएगा, करके देख लो, बहुत आसान है ये सभी चीज़ें। इसके लिए आपको स्क्वायर तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना आपको डिटेल में जा रहा हूँ, तो ये मत सोचता कि टाइम वेस्ट कर रहा है, बहुत एग्जाम में काम आएगा ये सभी चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, साइन जो है ना, मैं नीचे लिख देता हूँ, साइन 50° प्लस ए माइनस कॉस 40° माइनस ए, इसकी वैल्यू बताओ। देखो भाई, एक चीज मैं आपको बताऊं, साइन कोई भी डिग्री प्लस वन थीटा, ठीक है, ए बी सी कुछ भी हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, कॉस समथिंग प्लस माइनस थीटा, अगर ऐसा कुछ दे रहा है तो दोनों की वैल्यू को वन मान लो। इसकी वैल्यू को मान लेते हैं, रैंडम वैल्यू, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू को वन मान लो, इसकी वैल्यू को वन मान लो। अब यहाँ पे माइनस है भाई, 1 - 1 0 हो जाएगा, अगर प्लस होता तो 1 + 1 क्या हो जाता, 2 हो जाता, फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बोलोगे इसके पीछे का कुछ लॉजिक वॉजिक बताओगे, या फिर मन में आ गया, आपने बोल दिया कि ऐसे ऐसे कर लो। इसके पीछे का मैं आपको ना लॉजिक बताता हूँ। देखो, आपने एक चीज पढ़ा होगा ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 - थीटा, ये रूल अगर आपको पढ़ा होगा आपने, तो आपको चीजें काफी बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। और यहीं पे ना अगर मैं चाहूँ, जैसे हमारा सवाल तो अब दिख नहीं रहे, स्क्रीन से हट गया, तो उसी फॉर्म में अगेन हम ला सकते थे, यहाँ पे 50 + थीटा है ना, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते थे, 40 के फॉर्म में इसको कर सकते थे, हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता, तो इसकी वैल्यू इजिली हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 1 रख के सॉल्व कर लेंगे। कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में ही नहीं आई होगी, ऊपर ऊपर पार हो गया होगा, क्योंकि जो उनको ट्राइगोनोमेट्री का डिटेल नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ट्राइगोनोमेट्री का डिटेल नॉलेज नहीं है, तो मेरी, अगर आप बैच भी किसी का नहीं लेना चाहते हो, तो मेरी रेगुलर क्लासेस देखो, जब मैं ट्राइगोनोमेट्री का वन शॉट क्लास लेके आऊंगा, उसमें बहुत सारे ट्रिक्स सिखा दूंगा, आपका ट्राइगोनोमेट्री चल जाएगा। ठीक है, बहुत लिमिटेड कॉन्टेंट दूंगा जहाँ से एग्जाम में आए। आगे बढ़ते हैं। विपिन एक कार्य को 2 दिन में कर सकता है, ठीक है, एक कार्य को क्या कर सकता है, 2 दिन में कर सकता है। ओके, वैभव उसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, और चिराग उसको 6 दिन में कर सकता है, यदि वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं तो कार्य उन्हें पूरा करने में कितना लगेगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, मान लो विपिन हमारा 2 दिन में कर रहा है, हम ए बी सी मान लेते हैं, ए इंसान 2 दिन में करता है, बी 3 दिन में करता है, सी जो है ना 6 दिन में, तो ए बी सी मिलके कितने दिन में करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, 1/1 + a, 1/1 + b, 1/1 + c, ऐसे करो, तो 1/1 में क्या हो जाएगा, ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 6 है, दैट इज इट। हम इनका एलसीएम लेंगे, 6 मिलेगा, 2 से 3 बार में जाएगा, 2 3 से 2 बार में, और 6 से 1 बार में, और ऊपर 1 हमारा है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6/6, 6 से कट के हमारा वैल्यू आ गया 1। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो आप इसको देखते देखते आंसर करोगे विद इन 30 सेकेंड। ठीक है, अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है तो आप इसको 5 मिनट में भी नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं, और इस सवाल का कोई, ये देखो 1 1 कुछ इसकी वैल्यू नहीं है, मैंने ट्रिक बोला, अगर ऐसा फॉर्म में आता है तो इसकी वैल्यू को 1 मान लेने का, ये इसकी वैल्यू 1 नहीं आती है। ठीक है, ऐसा मैं 1 मान के बनवा दे रहा हूँ आपको, वैसे जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा ना, तो बहुत सारे अलजेब्रा में वैल्यू को मैं बोल देता हूँ, इसको 0 मान लो, उसको 1 मान लो, इसका मतलब उसका 1 वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन वो शॉर्टकट होता है और 100% सही होता है। जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब देखना, इसे भी खतरनाक मैं वैल्यू मानवाऊंगा, जबरदस्ती का वैल्यू मनवाऊंगा, और आप बोलोगे कि हाँ ये रूल हर क्वेश्चन पर लागू हो जाता है और आंसर भी आता है। ठीक है, तो आपको वहां पे 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर लाना है, जितना मान लो आपने 50 में से 45 ही बनाया, तो टारगेट यही करो कि 45 तो हमारा सही हो जाए, गलती ना हो, मैक्स टू मैक्स 1 या 2 गलत हो, अगर आप 6 6 7 7 गलतियां कर रहे हो तो फिर ये बहुत ही गंदी सी चीज़ है, सिलेक्शन की रेशियो जो है ना, चांसेस बहुत कम हो जाती है ना के बराबर, इतना ज़्यादा गलती करोगे तो। आगे जो कैनेडा को लिखते हम लोग ये XZMZWZ, ठीक है, अफ्रीका को लिखते हैं ZUR ZUIR XZ, तो हम लोग डिप्रेशन को क्या लिखेंगे। देखो मैं आपको हिंट देता हूँ, कैनेडा के अंदर मैंने क्या कहा, कैनेडा के अंदर मैंने क्या कहा, ये SSC CPO का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, वही मैं डिप्रेशन के अंदर करूंगा, और इनका डिप्रेशन मैं खत्म कर दूंगा जिनको सॉल्व करके। देखो सी 3 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, और ए अगेन 1 नंबर पे आता है, एक्स कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे, डब्ल्यू जो होता है 23 नंबर पे, जेड जो है 26 नंबर पे। अब देखो 24 में अगर 3 ऐड करोगे इनकी वैल्यू को, डेट विल बी 27,
अब देखो वन को 26 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 27। अब सबकी वैल्यू को आप ऐड करके देख लो, सबका वैल्यू 27 होगा। तो जो भी इसको हम लोग कहते हैं ऑपोजिट वैल्यू, दो ऑपोजिट वैल्यू को ऐड करोगे ये कोडिंग डिकोडिंग में तो उनकी वैल्यू 27 आती है। तो 27 का रूल के नाम से जानोगे, ऑपोजिट के रूल से नहीं। तो डी 4 नंबर पे आता है ना, ठीक है, इसमें क्या ऐड करोगे तो 27 मिलेगा। कहोगे सर इसके अंदर 3 ऐड कर देंगे, 23 ऐड कर देंगे, तो 23 नंबर पे आता है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू से कौन स्टार्ट हो रहा है, या तो बी या तो डी। अब डब्ल्यू में देखो अगर हम राइट साइड से काउंट करेंगे ना तो सब चुट्टा एक जैसा लग रहा है, तो मेरे को पूरा वैल्यू लेके काउंट नहीं करना, मेरे को लेफ्ट से देखो, ML, ML, R एंड P। तो 3rd नंबर पे मेरा डिफरेंट डिफरेंट है, इसमें R और इसमें P है, तो मैं डायरेक्टली ना लेफ्ट से या फिर राइट से 3rd नंबर पे जाऊंगा। I मेरा 9 नंबर पे, राइट से मेरा ये, ठीक है। तो मैं इसमें 18 अगर ऐड कर दूं तो मेरे को 27 मिल जाएगा। 18 नंबर पे आता है मेरा R, तो मैं आंसर करूंगा B को। तो ये मेरा टाइम बचाने का बहुत ही परफेक्ट तरीका होगा। अब ऐसा मत करने लगना कि हम पूरा का पूरा E का वैल्यू निकालेंगे, P का वैल्यू निकालेंगे, तो बहुत बनने का तो सही बात है, सही आंसर होगा आपका, बट इसके जगह पे जितना आप फालतू का टाइम यहाँ पे वेस्ट करोगे, इसके अलावा एक और सवाल आप बना चुके होते, ठीक है। तो एग्जाम में कौन ज्यादा सवाल बना रहा है वो मतलब नहीं है, कौन ज्यादा कम टाइम के अंदर ज्यादा सवाल बना रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको सब कुछ बनाने आता है लेकिन आप उस लिमिट टाइम के अंदर नहीं बना पा रहे हो, तो आपका नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। कोई बच्चा है जो उसको 90% ही बनाने आ रहा है लेकिन वो उस लिमिट टाइम के अंदर 90% बना रहा है, और आपको 100% क्वेश्चन से सोल्यूशन पता है लेकिन आप 70% अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है, तो फिर दिक्कत है, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। आप 100% जान के भी आप आउट हो रहे हो, और एक बच्चा 90% जान के भी वो सिलेक्शन ले रहा है। तो स्पीड को भी मेंटेन रखो साथ में, ये सभी चीजों को सीखो। आगे देखो, एफ है MQX, फिर है डी जे एस ए जेड, फिर यहाँ पे वर्ड है ZDWGXAYZ। ओके, तो बीच वाले चिन्ह जो है ना यहाँ पे वर्ड का चिन्ह, तो यहाँ पे क्या फिल करना है। अब देखो, या तो क्या कहते हैं इसको, लेफ्ट से राइट देखो या फिर राइट से लेफ्ट देखो। और ऐसे सवाल में सबसे पहले पता है क्या देखना चाहिए, पूरा एफ एम क्यू एक्स नहीं देखो, इसका फर्स्ट डिजिट या फिर फर्स्ट लेटर, डिजिट नहीं है लेटर है, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर। अब एफ से डी जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जा रहा, घटते हुए जा रहा है, घटते हुए। तो मैं क्यों ना राइट से लेफ्ट देख लेता हूँ, इधर से असेंडिंग में जा रहा है, ठीक है, एक्स से है जेड, ठीक है, फिर देखो डी से एफ ज्यादा हो रहा है ना, तो एक्स से जेड में क्या जोड़ा है, वाई जेड, दो जोड़ रखा। फिर डी से एफ में क्या जोड़ रखा, दो जोड़ रखा। तो मतलब जेड में मेरे को जेड डी डब्ल्यू जी में मैं क्या करूंगा, इधर दो ऐड करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, बी ए और बी। ओके, अब मैं इधर देख लूंगा, ए में मैंने क्या कर रखा, तो मेरे को डी मिला, तो बी सी डी मैंने 3 ऐड कर रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डी में अगर 3 ऐड कर दूंगा ई एफ जी, तो जी जी वाला कहाँ पे, एक तो बी में है और एक तो सी में है, तो लास्ट में देखो यू और इसका डी है, तो मैं देखो इसके लास्ट वैल्यू को देखूंगा। जे में मैं क्या ऐड करूंगा तो जी मिलेगा, एच आई जे, सॉरी जी में मैं क्या ऐड करूंगा तो जे मिलेगा। अब देखो इधर से ना जी और जे के बीच का अंतर देखो, ये जी से जे के तरफ जाओ, ठीक है, तो जी में क्या करोगे, एच आई जे 3 ऐड कर रखा है, और इधर से एक्स के बाद वाई जेड ए 3 ऐड कर रखा है। तो मतलब ए में इस बार आपको 3 ऐड करोगे तो लास्ट वैल्यू मिलेगा, तो बी सी डी, तो आपको डी लाना होगा एंड में, तो एंड में डी कहाँ पे, सी के अंदर, ये हो जाएगा हमारा सी नंबर, ठीक है। सारे वैल्यू को सॉल्व करने बैठोगे हो जाएगा टाइम खा के। चलो 18th नंबर क्वेश्चन देखो, एक बार सवाल बड़ा है, पढ़ना आराम से, सॉल्व करना आराम से। छह छात्र, बड़ा अजीब वर्ड है, छह छात्र, ठीक है, पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के ओर उन्मुख बैठे हैं। आर जो है ना टी और यू दोनों के निकटतम पड़ोसी है, पी जो है ना यू के राइट साइड से तीसरे स्थान पर है, और क्यू जो है ना एस के निकटतम बाएं बैठा हुआ है, और एस जो है ना पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आर जो है ना, आर और एस के निकट में कौन सा है बताओ, एक सर्कल होगा, ठीक है, इसके बीच में क्या है ना, आर जो है ना टी और यू के निकटतम है, भाई हमको ना तो टी का पता है ना तो यू का पता है, हम आर को कैसे बैठा दे, तो उनको छोड़ दो, आगे बढ़ो। पी जो है ना यू के दाएं से तीसरे स्थान पे, अब यू कहीं का पता नहीं है तो यू को रैंडमली कहीं भी बैठा दो, मैं यहाँ बैठाता हूँ, जनरली मेरी हैबिट है, क्योंकि यहाँ से मेरे को राइट इधर जाना है और लेफ्ट मेरे को इधर जाने में आसान होता है। तो मैं पी को क्या करूंगा, यू के राइट में तीसरे पोजिशन बैठाऊंगा, 1 2 3, मैंने पी को बैठा दिया। मेरे पास टोटल 6 मेंबर्स थे जिसमें से 4 की पोजिशनिंग मिल गई, 2 की पोजिशन और करनी है जस्ट, ठीक है। अब क्यू जो है ना एस के लेफ्ट में बैठा है, बट मेरे को जो है ना तो क्यू का पता ना एस का, और मैं यहाँ पे इनके बीच में छेड़छाड़ कर नहीं सकता,
तो मैं ऐसा कोई वैल्यू देखूंगा जो कि यू और पी से रिलेटेड होगा इसके अंदर, ठीक है। तो पी से रिलेटेड देखो यहाँ है, ऐसे जो है ना पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पी के दाएं से दूसरे क्या कोई पोजिशन बच रहा है, तो दो पोजिशन अभी भी हम बना सकते हैं। तो पी के राइट में जब जाओगे तो यहाँ पे एस बच रहा है, अब कोई सीट खाली नहीं है, छह सीट है, अब इसी के बीच में आपको बैठाना है सबको, ओके। अब एस पी और यू से रिलेटेड कोई भी चीज मिल रहा है आप कर दो आंसर, जैसे एस पी के राइट से दूसरा है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्यू जो है ना एस के निकटतम लेफ्ट में बैठा है, एस के लेफ्ट में इधर पोजिशन खाली है, हम क्यू को बैठा देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो आर जो है ना टी और यू दोनों के बीच में बैठा है, टी और यू, अब टी और यू, अब इधर तो कहीं टी है नहीं, यहाँ यू है, और यहाँ को टी बैठा नहीं सकते बिकॉज इनके बीच में कोई सीट नहीं है, तो टी मैं यहीं पे बैठाऊंगा, तब मेरे को टी और यू के बीच का कोई एक पोजीशन मिला जहां पर मैं आर को बैठा सकता हूँ। अब पूछ रहा आर और एस के बीच में बैठाओ, अब आर और एस के बीच में इधर से अगर खोजोगे तो कोई नहीं मिलेगा, मेरे को इधर से खोजना होगा, इसके लेफ्ट से, आर के लेफ्ट से, आर इधर और एस इधर, देखो इधर, ठीक है। तो इसके बीच में यू बैठा है, तो यू हमारा सी के अंदर है, हो गया काम। चलो इसको बनाने का तरीका बड़ा मस्त होता है, जो घुस जाएगा ऐसे सवाल में आराम से बना लेगा समझ समझ के। अब देखो क्या रहना कि इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का डिवाइड है, डिवाइस का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का प्लस है, ठीक है। तो 300 माइनस का मतलब है डिवाइड, प्लस का मतलब है क्या आपका माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये यहाँ से कटेगा 150 टाइम्स में, तो 150 माइनस 50 प्लस 6, ओके। तो मैं इसमें कराऊंगा 156 में से 50 को माइनस, इट विल बी 106। बहुत ही बेसिक सा प्यारा सा सवाल था। 20 नंबर देखो, अगर किसी कोडिंग में एक गलती हो गई हमसे, हमने हिंदी को ही दो बार कर दिया, रुको हम इसको इंग्लिश कर देते हैं, दिख रही होगी थोड़ी सी, देखो मेरी पीपीटी बनाने की ज़्यादा हैबिट है नहीं, तो मेरे से उतना अच्छा बना नहीं, ये पता नहीं कहाँ से इतना बड़ा गैप आ गया यहाँ पे। खैर रहा, इन अ सर्टेन कोड रिंग इज कोडेड एज 64, वॉच इज कोडेड एज 125, देन हाउ विल ब्रेसलेट बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज, ठीक है। देखो ये कह रहा है रिंग को ना हम 64 लिखते हैं, ये सवाल जो बच्चा 4 सेकेंड के अंदर नहीं बनाया ना, इसकी मतलब उसकी रीजनिंग की समझ जो है ना उतनी हाई लेवल की है नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहा है ये ब्रेसलेट की, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर कोई दिमाग नहीं लगाने का है। अब रिंग के अंदर टोटल कितने अल्फाबेट है, 4 अल्फाबेट है, ठीक है, तो मैंने 4 का क्यूब कर दिया। वॉच के अंदर मेरे पास कितने अल्फाबेट है, 5 अल्फाबेट है, मैंने 5 का क्यूब कर दिया। ब्रेसलेट के अंदर टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, 8, मैं 8 का क्यूब कर दूंगा, इट विल बी 512, कहानी खत्म, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो ये इतना सिंपल सा लॉजिक था इसके अंदर, अगर किसी का ये सवाल गलत होता है तो समझो कि आपकी रीजनिंग भी पकड़ थोड़ी अभी कम है और बनाने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, अब ये वाला गैप खत्म हो गया यहाँ, ठीक है, चलो आगे देखते हो। ये कह रहा है एक सीरीज का सवाल है, 98 126, फिर क्या भाई 165 216, ठीक है 280 वॉट। अब बताओ हमने इसके अंदर क्या किया, हमने इसके अंदर कितना जोड़ा, हमने इसके अंदर कितना जोड़ा, हमने इसके अंदर कितना जोड़ा, अब सोचने वाली बात है। अब सिंपल सा अगर मैं पूछूं कि आप 217 में पर 126 में अगर हम क्या जोड़ेंगे कि 98 आ जाए, तो 8 8 16 2, ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा 28, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूँ 165 में आप क्या जोड़ोगे, तो 1 आ जाएगा, तो 9 6 15 और यहाँ पे 3 2 5, तो 39 हो जाएगा, ठीक है। तो 216 में हम कितना ऐड करेंगे कि हम, या फिर 165 में हम कितना ऐड करेंगे, 51, ठीक है। अब इसके अंदर 4 और यहाँ पे क्या आता, 6 64, इतना आ रहा आपका, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ समझाओ कि आगे हम क्या ऐड करें, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। हम एक स्टेप और जाएंगे आगे, तो मेरे को दिख रहा नहीं यहाँ पे कि चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे को प्लस 11 कर रखा गया है, प्लस 12 कर रखा गया है, प्लस 13 कर रखा गया है, तो मेरे को आगे जाके प्लस 14 करना है। मतलब सबसे पहले मैं 280 में क्या क्या ऐड करूँगा, 64 एंड 14, तो मेरे को मिल जाएगा कितना, 4 4 8, 8 यूनिट डिजिट 2 में है, तो ये 7 7 7 14 और 1 15, और ये हमारा 358 हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। चलो 22 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग इसका क्या हो जाएगा। परम बिंदु ए से ना उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, हम ए मान लो यहाँ पे, हम इधर से नॉर्थ में जाते हैं 8 किलोमीटर,
और यहाँ से राइट मुड़ जाते हैं 8 किलोमीटर, फिर यहाँ से राइट मुड़ जाते हैं 4 किलोमीटर, ओके, और अंत में वो फिर से राइट मुड़ जाता है और बीच तक पहुँचने के लिए 8 किलोमीटर चलता है। ये पॉसिबल है क्या? ठीक है, यहाँ से अगर वो बीच तक पहुँचेगा, बीच तक चलेगा तो 8 किलोमीटर चलेगा तो वो पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ से ना 8 किलोमीटर राइट ले जाऊँगा तो इस पोजिशन पर जा रहा है बी पर। ठीक है, ये चीज़ देखो, क्योंकि ये वाला देखो ऊपर वाला 8 था तो इसके जस्ट पैरेलल इसको मीट कर जाएगा। तो अब बताओ ए से ना बी तक की डिस्टेंस देखो, कह रहा बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितने दूर और किस दिशा में चलना पड़ेगा। तो बी पर है और ए पे जाना है तो मतलब नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे में कौन सा डायरेक्शन होता है? नीचे में साउथ होता है, तो साउथ की ओर जा रहा होगा। तो साउथ की ओर कौन सा है भाई, कितना जा रहा है वो भी साइड में रखो, किस डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ में। तो साउथ वाला एक ही ऑप्शन है, तो हमको किलोमीटर में क्या निकालना है, खाली हम डायरेक्टली कह सकते हैं बी हमारा सही आंसर है। किलोमीटर क्या भाड़ में, अभी मेरे को डायरेक्शन का नाम मिल गया ना, तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे डायरेक्शन दे रखा गया है। तो फिर ठीक है, आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 23 देखो क्या कह रहा है आपसे, इसका मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा। 28, 30, फिर यहाँ पे व्हाट है, 188, 754, 3772। अब इसमें क्या किया कि 30 आया, ठीक है, ये चीज़ सोचने वाली बात है। क्या करा कि इसके अंदर 30 आया, कुछ तो लॉजिक हुआ होगा ना हमारे साथ। बोलो कि सर इसके अंदर 2 ऐड कर रखा, बट इसका कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? इतना छोटा सा वैल्यू की इतनी बड़ी वैल्यू मिल रही है, इस छोटी सी वैल्यू की इतनी बड़ी वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब सिर्फ इसमें जोड़ने से काम नहीं चलेगा, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है। जब बहुत बड़ा वैल्यू मिलने लगे ना औकात से ज़्यादा, तो इसका मतलब कुछ गुणा हुआ है। जैसे 28 में क्या 2 से गुणा करोगे तो 30 नहीं आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, और जो वैल्यू है उसमें 2 आप ऐड कर दोगे। तो जो कर रखा गया मैं भाई, मैंने को खुद से पहले से नहीं पता, मान लेते हैं, तो मेरे को जो किया गया भाई, मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 मिल जाएगा, देन 2 ऐड कर दूंगा 30 मिलेगा। अब 30 को मैं क्या करूंगा, अभी साइड रहने दो, उसके बाद मैं 188 को रहने दो, मेरे को ये वाला चीज पे क्या मेरे को नहीं पता, 188 वाला को रहने दो। 188 में मैं क्या करूंगा भाई, इस बार पॉसिबिलिटी है, अगर मैं देखो 188 को ना मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना वैल्यू देगा, 8 6 32, 8 6 32 3, 35 4 3 7, तो 752 दे रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा गया है, कुछ समझ में आ रहा है? और 4 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करा गया है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो अब जाके हमको क्या मिल रहा है, 754। तो इसका मतलब भाई आगे मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करके ना यहाँ पे 2 ऐड कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल भी 1 2 और फिर जो यहाँ वैल्यू आएगी उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही चल रहा है ये चीज़। ठीक है, 30 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 60 + 2 इज इक्वल टू 62। ठीक है, अब हम लोग 62 में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे, तो मेरा 188 आ जाना चाहिए। तो मेरा हो जाएगा 186 + 2 इज इक्वल टू 188, आ गया ना? तो वही काम करा गया था और उसके अंदर कुछ किया नहीं गया। तो पहले जब कुछ नहीं पता होता किसी को तो यही लॉजिक फॉलो करते जाओ, आंसर लाते जाओ, और हर बार सीरीज में खाली जोड़ा गया हो ये पॉसिबल नहीं है भाई। आगे चलते हैं, 24 नंबर देखो क्या कह रहा है। हाँ, ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, डिक्शनरी वाले क्वेश्चन में आपको बताना होता है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले कौन सा टॉपिक आएगा, चैनल, चैरियोट, चारकोल, चैपल, या फिर यहाँ पे आपका चैम्बर और चांसेस। में तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो CH सबके अंदर है भाई, CHA CHA, ये 3 लेटर सबके अंदर है। CHA के बाद देखो क्या है, इसके अंदर N है, इसके अंदर R है, P है, M है, N है। तो NRPM में पहले क्या आता है, बोलोगे MNOPQR, तो M पहले आता है, तो M पहले कहाँ पे है, चैम्बर के अंदर, तो 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 5 के बाद हो गया, M के बाद क्या आता है, N आता है, तो N कहाँ पे है भाई, तो एक तो 6 के अंदर भी N है और इसके अंदर चैनल के अंदर भी N है। ठीक है, बट इसके N के बाद अगेन एक N है और इसके N के बाद C है, तो पहले N आएगा कि C आएगा, तो पहले C आएगा, मतलब मेरा 5 के बाद 6 आएगा, देन 1 आएगा, तो 561 मेरा आएगा। अब 561 देखो इसमें, सॉरी 561 इसमें है, देन मेरे को दोनों में 4 4 है, तो मैं इन दोनों को 4 4 वैल्यू ले लूंगा। मेरे को लास्ट में 3 2 और 2 3 में देखना है फर्क, पहले 2 होगा कि 3 होगा, इन दोनों में फर्क देखने की चीज है। तो
तो मैं 3-2 में खाली देख लेता हूँ, उतना क्या करना है, पहले दोनों में क्या आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 में क्या है ना कि CH A है, CH AR R, R के बाद I है और इसमें R के बाद C है, तो पहले C आता है, इसका मतलब 3 पहले आएगा 2 बाद में आएगा, मतलब A वाला हमारा सही आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 25 कह रहा है, अगर हम 98 को 115 लिख सकते हैं, 67 को 84 लिख सकते हैं, तो 74 को क्या लिखेंगे। देखो 91 को, सॉरी 98 को हमने क्या किया कि 115 आया, वही काम करो इसमें व्हाट आ जाए। 67 में हमने क्या किया कि 84 आया। भाई देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, देखो छोटे से बड़ा हो रहा है, इसमें भी छोटे से बड़ा वैल्यू, मतलब कुछ जोड़ रखा गया है, 17 ऐड कर दिया गया इसके अंदर, इसमें भी 17 ऐड कर दिया गया, तो इसमें भी 17 ऐड कर दो ना, 7 4 11, और यूनिट डिजिट एक, और एक इसका यूनिट डिजिट है, हो गया आंसर। खैर इसका 91 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इकाई स्थान को भी देख के आंसर कर सकते हैं हम। अब देखो इसके अंदर कह रहा है, आप बताओ ये 4 फोटो है और 4 के बाद अगला फोटो बताना है, ए बी सी डी में से कौन सा है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ इसका क्या होता है। सिंपल सा लॉजिक पकड़ना होता है, देखो ये स्टार, देखो स्टार कहाँ पे है, या फिर टी पकड़ लो, स्टार पकड़ लो, पहले यहाँ पे था, फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पे आया, मतलब यहाँ पे आ गया, फिर अगले वाले में देखो यहाँ पे आ गया, फिर अगले नीचे, तो अगली बार इस वाली पोजीशन पे जाएगा स्टार, तो इस वाली पोजीशन पे किस में, है या तो सी में या फिर ए में। ओके लेट्स टी को पकड़ो, टी आगे गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो फिर टी यहाँ पे आना चाहिए, तो टी यहाँ पे किस में है, ए और सी में, देखो तो सी में तो नहीं है, सी में यहाँ पे प्लस है, नहीं होगा, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5, इसके अंदर कौन सा होगा। देखो जब भी ऐसे 5 दे रखे हो ना, तो पूछा जाए कि अगला क्या हो जाएगा, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम शुरू से नहीं ध्यान देंगे, हम ना एक पहले वाले को छोड़ो। ठीक है, पहले वाले को कंपेयर करने के लिए सही है कि इसका कंपेयर इससे है, इसका इससे, ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, बट हम डायरेक्टली सेकेंड वाले और थर्ड वाले को देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फोर्थ वाले से फिफ्थ वाले का आंसर आएगा। इसका ये जो उल्टा ट्रायंगल टॉप में था, वो अगले फोटो में कहाँ आया, बीच में आ गया, मतलब इसका जो सीधा ट्रायंगल है अगले फोटो में कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा। सेंटर में कहाँ कहाँ पे सीधा ट्रायंगल है, एक तो सी के अंदर है और एक तो ए के अंदर है। ओके फर्स्ट चीज हमने पकड़ लिया, और फिर इसका जो सीधा ट्रायंगल है ये कहाँ गया, नीचे गया है। ठीक है, हम लोग एक चीज गलत पकड़े हैं, पता है क्या, हम लोग सीधा ट्रायंगल फिगर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ सही, लेकिन मैं आपको समझा, देखो मैं कर रहा हूँ सही, लेकिन मेरे को जो बताना चाहिए वो नहीं बता रहा, ऐसे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं आपको अलग तरीका बताता हूँ। देखो अब कौन सी फिगर यहाँ पे नहीं पता, मैं फिगर का वो बता रहा हूँ, पॉइंट पोजिशन बना लो, सबसे टॉप में जो यहाँ पे फिगर है ना, अगले वाले में सेंटर पे गया है। मैं ना आपको फिगर का नाम लेके बोलूंगा तो आप ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, आप कुछ और समझ जाओगे, पोजिशन के नाम से समझो, जो सबसे टॉप पोजिशन पे है वो अगले वाले में सेंटर में चला गया, तो इस वाले में जो टॉप पोजीशन पे होगा ना, अगले वाले में सेंटर पे जाएगा, तो ये वाला जो फोटो था ऐसे वाला, वो सेंटर में गया है। अगली बार यहाँ पे या फिर यहाँ पे, यहाँ पे जो है ना सबसे लेफ्ट साइड में जो पोजीशन पे है, वो अगली बार देखो सबसे बॉटम में चला गया, सबसे नीचे चला गया, तो इसमें अगली बार क्या है भाई, लेफ्ट में कौन सा है, ये वाला फोटो है, तो लेफ्ट में ये वाला यहाँ जाएगा, देख लो कहाँ कहाँ पे है, वो ए के अंदर है, तो इसका एक्यूरेट आंसर ए हो जाएगा। बोलोगे कैसे कह सकते हो, हम पूरा करके दिखा दें आपको, देखो इसका जो बॉटम में जो फोटो है ना, वो अगले वाले में टॉप पे गया है, तो इसके बॉटम वाले में ना, इसका रिलेशन मैं इससे निकाल रहा हूँ, तो इसका मैं इससे निकालूंगा, इसके जो सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर जाएगा, देख लो सर्कल मेरा यहाँ पे ऊपर मिल रहा है, तो ऐसे खोजोगे सब मिल जाएगा, विद इन 15 सेकेंड इसका आंसर करोगे, अगर आपको हैबिट हो गई ऐसे सब। चलो करो इसको, खैर इसमें वो वाली टॉपिक नहीं है, दोनों में फर्क समझ में आ रहा होगा, इसमें डायरेक्शन मुड़ रहा है, एरो एरो देख रहे हो आप, तो डायरेक्शन मुड़ रहा है, तो ये थोड़ी सी हटके है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये देखो बिल्कुल भी घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कितना भाई 45 डिग्री एंगल मुड़ रहा है, मतलब यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे मुड़ रहा है। ठीक है, तो इस बार कहाँ मुड़ेगा, ये बिल्कुल भी ऐसे आ जाएगा, तो ऐसे कहाँ कहाँ पे है, बी में है एंड डी में है। ओके देन हम ए को पकड़ेंगे, ए देखो एक पोजीशन आगे गया, फिर एक आगे गया, फिर एक आगे, तो इस बार ए हमारा यहाँ पे होगा, ए हमारा यहाँ पे कहाँ पे है, बी में नहीं है, हम ए को ले ही नहीं सकते, सी को ले नहीं सकते, बिकॉज एरो की पोजिशनिंग गलत की गई है, तो बचा हमारा डी। ठीक है, 29 देखो
ये फोटो देखो क्या है ना, ये एक रेक्टेंगल था, ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल इसके अंदर जाके घुस गया, दिख रहा आपको? और क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसे देखो, इसका ये सर्कल यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है? ध्यान सुनो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सर्कल जो था ना पहले इस पोजिशन पे, वो स्टार्ट होता है चलना, वो यहाँ पे आया, देन ऊपर गया, देन यहाँ पे आया, ठीक है? अपना जो रेक्टेंगल था वो वहीं के वहीं रह रहा है, उसको हिलना डुलना नहीं है, वो आराम से वहीं रहेगा, बस बाकी के सारे फिगर चल रहे हैं। तो अगली बार सर्कल देन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे सर्कल ए बी एंड सी के अंदर है, ठीक है? अब मेरा ट्रायंगल देखो, यहाँ से चलना शुरू हुआ था, आगे गया, फिर आगे गया, फिर आगे, अब देन मेरे को सर्कल ट्रायंगल मेरा कहाँ पे आ जाएगा, इस पोजिशन पे आएगा, तो इस पोजिशन पे कहाँ पे है, सी के अंदर है, बाकी सारे गलत है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये फोटो को ऐसे बना दिया गया, इस फोटो को कैसे करें, एक सिंपल सा फंडा है मेरा, जो पहले छोटे वाले फिगर को देखो, ये उल्टा ट्रायंगल था ना, ऊपर में फिल था, ट्रायंगल को मिरर कर दिया गया, वाटर मिरर नीचे आ गया, अगर मैं इसको भी उल्टा है तो इसको सीधा करूंगा, और सीधा करूंगा तो मेरा नीचे में ये वाला पोजिशन जाएगा, ठीक है? तो नीचे मेरा ये वाला पोजिशन सिर्फ और सिर्फ बी के अंदर है, तो मेरे को आगे कुछ खोजना ही नहीं है इसके अंदर, आंसर आ गया, ठीक है? चलो बाकी कोशिश करना यही है कि अगली बार 25-30 सही करें, और इस बैच में एक बार पढ़ लोगे तो ऑब्वियस चीज़ें सही होंगी चीज़ें, बाकी कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए बैच से रिलेटेड तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, बाकी ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।